ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तेज़ रफ्तार कारण आए दिन कई तरह के हादसे वापर जाते हैं और इन्हां हादसों में कई लोग अपनियां जानां गवा देंदे ने। अजिहा ही एक हादसा होया है माहिलपुर गढ़शंकर रोड से स्थित पिंड टोटू माजरा नेड़े एक निजी कंपनी की तेज़ रफ्तार बस की दरख्त नाल जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई और कई सवारियां जख्मी हो गई। जख्मियों को इलाज लई हस्पताल में दाखिल करवाया गया। मिली जानकारी मुताबिक यह बस माता वैष्णो देवी तो चंडीगढ़ जा रही थी। दसिया जा रहा है कि बस चालक को अचानक नींद आ गई और बस की रफ्तार तेज़ होने कारण यह हादसा वापर गया। प्रत्यक्ष दर्शियों मुताबिक हादसा इन्ना भयानक सी कि बस दे परखचे उड़ गए। मेरे दे नेड़े पहुंची ते ड्राइवर नु नींद आने के कारण जिहड़ा हादसा वापरिया बहुत भयानक हादसा सीगा, जिहदे विच बस जिहड़ी आ नींद आने के कारण सफेदे च वज्जी, सफेदे भी टुट गए, उहदे नाल तारां सीआं केबल दीआं उह वी टुट गईआं ते दो जिहड़े मौके ते दो दी मौत हो गई, जिहदे च इक जनानी सीगी उपर सुत्ती हुई सी ते एक कंडक्टर सीगा जिहड़ा उहदी मौत हो गई। ड्राइवर जिहड़ा उह वी बहुत सीरीयस वा ते उहनूं वी हस्पताल लैके गए आ ते एक दो बंदे होर वी जख्मी हैगे। कैसे हुआ जी सारी घटना, कब चली थी बस? ये बस चली थी कटरा से वैष्णो देवी से 12 बजे और जम्मू आते समय जम्मू से 2 बज गए थे और सुबह 6 बजे एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर हुआ एक्सीडेंट? ड्राइवर की आंख लगी और नींद पड़ी थी ड्राइवर पे। हाँ, एक ड्राइवर सोया था तो एक चलाने वाला खत्म हो गया और सोने वाला वो जो था वो सीरियस बहुत है। हाँ, कितनी सवारी जख्मी हुई है? सवारी तो बहुत जख्मी हुई है, 15-16 सवारी जख्मी हुई है। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਬਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਦੇਵ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਕੇਰੀ ਮੇਂ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। 12 ਸੇ ਆਏ ਥੇ ਬਾਈਅਰ ਔਰ ਬਾਈਅਰ ਸੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਯਹਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਉਨਕੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨਕੋ ਬਤਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਉਨਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਯਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਲੋਕ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस मौके संगठन के आगुआ ने मांग की है कि आलोक अवस्थी नू मानहानि दे केस तहत मामला दर्ज करके जल्द ही गिरफ्तार किया जाए ता जो अगे तो कोई भी राजनीतिक बुलारा दलितों खिलाफ भद्दी शब्दावली ना वरते। बस्ती जोधेवाल चौक दे विच जिहड़ा हैगा असी पुतला फूकिया है, असी पहला भी जिहड़ा हैगा सरकार नू कई बार ये कह चुके हैं कि जिहड़ा अत्याचार है ये साडे उत्ते बंद कर दिता जाए। बार बार कहना सानू भी चंगा नहीं लगता, नहीं तो सानू अपने हकों लिए लड़ना और मरना बड़ी चंगी तरह आता है। कदे तो बाल्मीकियों के नाल साडा करा देंगे, बाल्मीकि साडे भाई है, साडा भाईचारा है, चचा चमार और चचा चूड़ा असी दोने चाचे ताए दे पोत हां। तुसीं पहला सानू दोनों नू लड़ाता, हुण उस तो बाद दे विच कदे अलोक अवस्थी उठ गया, कदे जिहड़ा हैगा सलमान खान आ गया, कदे कोई आ गया। आ थोड़े दिन पहला सलमान खान ने बाल्मीकियों के समाज साडे समाज के प्रति जिहड़ा हैगा गलत बोलिया। संस्थावां जिहड़ियां समाज ते इकट्ठियां हो के, क्योंकि जदों दिल ते सट लगदी है तां अंदर दर्द जागदा है, वो दर्द नूं लै के असीं अज इत्थे पहुंचे हाँ। क्योंकि BJP का एक बुलारा जिहड़ा TV दे उत्ते बोल रहा है गंदी शब्दावली दे नाल, उहदा मूंह तोड़ जवाब देने वास्ते बहुजन समाज एकता जिहड़ा इकट्ठा हो के अज वख-वख संस्थावां तों आ के इत्थे उहनां ने उहदा पुतला फूकिया है। और असीं इहदे नाल ही, क्योंकि समाज इकट्ठा हो रहा है, दिनों-दिन जिहड़ा BJP सरकार अत्याचार वधा रही है, असीं उहनां नूं वार्निंग देना चाहुंदे हाँ। श्री चमकौर साहिब तो रूपनगर कच्ची नहर दे नाल नवी बनाई सड़क ते पिंड कमालपुर नेड़े श्री चमकौर साहिब ते बने टोल प्लाजा मुलाजमां वलों गुंडागर्दी की गई। रात दे करीब 10 बजे
सुखबीर सिंह कंदोला अपने साथियों समेत रूपनगर तो पिंड कंदोला नेड़े श्री चमकौर साहिब आ रहे सन तो टोल प्लाजा से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई सी क्योंकि मुलाजमान की घाट कारण एक ही लाइन चालू की हुई सी। उन्होंने कहा कि साढ़े को वापसी की पर्ची है तो तुम दूजा गेट खोल दो तो एक शराबी मुलाजिम ने गाली गलोच करनी शुरू कर दी थी। एक सिंह हरदीप सिंह कंधाला की गड्डी से बेलचा मार के शीशा भन दिता दाढ़ी नूं हाथ पा के वाल भी पुटे जिस तों बाद उत्थे मौजूद लोगों ने इकट्ठे होकर टोल प्लाजा की खूब भन तोड़ की सिंह की बेअदबी करने वाले मुलाजिम नूं पेश किए जाने की मांग की। उन्होंने दसिया कि इस टोल प्लाजे से अक्सर मुलाजमान की घाट होने कारण एक गेट खोल के रखा जाता है जिस कारण अक्सर जाम लग्या रहा है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामा जी की गल हो गई इतना टोल दसो असं जाते हुए अप डाउन की पर्ची कटाए गए इतने तो वापसी के हमेशा एक रस्ता खुला रखते हैं एक रस्ता बंद रखते हैं लंबा जाम लग्या हो भी गड्डिया खड़ी हैं असं दूसरी गड्डी बच्चे नार होंगे सके छोटे और लैके असं अगे अगली गड्डी च आ गए अगली लाइन च इस बंदे ने कहा कहता मैं क्या साड़ी अप डाउन की पर्ची आ कहता अप डाउन की पर्ची है कहता लाइन च लगो मैं क्या साढ़े को पर्ची तू पर्ची देख तो मैं क्या तू शराब तू पी फिर इस बंद ने सू जो वालडिंग करी उस तो बाद साढ़े हाथों बाई हो मेरे हाथ चो सोने की अंगूठी खिंची इस बंद ने ठीक है ना साडा मुंडा हरदीप आ मुंडा नाल आ गया इस बंद दाढ़ी फड़ी इस बंद ने नहीं हूँ तुम उन्होंने पेश करो जी बिल्कुल सर उसे मैं बार बार फोन कर रहा हूँ आपके ही सामने फोन किया है एसएचओ साहब के ही सामने फोन किया है वो बंदा कह रहा है मैं आ रहा हूँ अब कब तक आएगा पता नहीं। आपने टोल प्लाजा से किन्ने बजे से दो रास्ते चल दे किन्ने तक एक चलता है टाइम की है सर वैसे तो कंटिन्यू दो ही चलते हैं अगर किसी को जैसे कोई खाना खाने गया है तो एक हो जाता है बाकी अगर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक हो जाता है बाकी वैसे तो कंटिन्यू दो ही चलते हैं। वैसे लोगों का कहना भी लोग परेशान बहुत हो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े जिथे पूरी दुनिया में उत्साह मनाया जा रहा उत्थे ही बरनाला में डिप्टी कमिश्नर वालों यह त्यौहार निवेकले ढंग मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर वालों क्रिसमस का त्यौहार झुग्गियां झोपड़ियों रहने वाले गरीब बच्चों मनाया गया जिथे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों खिडौने वंडे जिस नाल बच्चों में खुशी की लहर पाई गई। बेसिकली असी बरनाला दे विच जिहड़ी दाणा मंडी उहदे लगे झुग्गी झोपड़ियां जिहड़ी हैगियां ने उत्थे दे बच्चों लई असी तकरीबन 125 जिहड़े हैगे टॉयज लेके आए जिहदे विच क्रिकेट बैट कैरम बोर्ड वगैरह ते कुछ होर बच्चों लई भी दूजे टाइप दे किचन दा कुछ होर उस टाइप दे टॉयज अज इन्हां ने वंडे हैं ताकि इह भी बच्चों दी भी क्रिसमस खिलौणियां नाल बीत सके। इत्थे वेला हो चला एक होर छोटे जिहा ब्रेक दा ब्रेक तो बाद भी खबरां दा सिलसिला लगातार जारी।